हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है करी पत्ता का पौधा। करी पत्ता से रिगार्डिंग दो क्वेश्चन अक्सर मेरे कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं कि मैं जैसे नर्सरी से प्लांट लाई थी वो वैसा ही है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है जबकि 2-3 महीने हो चुके हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, जो कमेंट पूछा जाता है अक्सर, वो कि मेरा प्लांट लंबा लंबा सा है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है तो क्या करें। तो ये दोनों टॉपिक के साथ साथ और भी टॉपिक्स पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। करी पत्ता एक मेडिसिनल प्लांट है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, वीपी को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ खाने का टेस्ट भी बढ़ाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। साउथ की डिश में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही साथ नॉर्थ में भी कई ऐसी डिशेस हैं जिसमें इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी केयर की। करी पत्ता एक समर प्लांट है, मानसून और स्प्रिंग सीजन में जम के ग्रोथ करता है, बट जब टेम्परेचर हाई होता है या लो होता है तब ये डॉर्मेंट में चला जाता है, अपनी जो ग्रोथ है वो रोक देता है, लेकिन जैसे ही इसके अनुकूल वातावरण होता है ये फिर से ग्रोथ कर देता है। इसको आप नर्सरी से 50-60 रुपए में आसानी से ला सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, और अक्सर बरसात में इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। ये बीज भी प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि जब बिल्कुल ब्लैक कलर के बीज हो जाएं तो इसका मतलब इसके बीज पक चुके हैं, तब आप इसको ग्रो कर सकते हैं, उससे नया पौधा प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नर्सरी से ले आते हैं आप, अगर आप बिगनर हैं तो आप सीधे नर्सरी ही से जाके 50-60 रुपए में इसका पौधा ला सकते हैं, और ख़ासकर आगे जो मानसून सीज़न आ रहा है, मुश्किल से 15-20 दिन ही बाकी हैं, तो उसमें आसानी से ग्रो भी हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इनको धूप कितनी दी जाए। तो अगर आपके यहाँ एटलीस्ट 4 घंटे की धूप डायरेक्ट आ रही है तब तो आप इसको लगाइए, वरना आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इस समय तो धूप बहुत ही तेज़ है, फुल सनलाइट में मेरे ये प्लांट रखे हैं, तो देखिए आप खुद ही नीचे देख रहे होंगे कि कुछ पत्तियाँ मेरी जली हैं, लेकिन कोई नहीं, मानसून आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपके यहाँ अगर 4 घंटे या 5 घंटे की धूप आती है तब तो आप इसको लगाइए, वरना आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इनके कंटेनर की। तो कंटेनर जब भी आप प्लांट लगाएं तो इसको बड़ा कंटेनर दीजिए, वैसे तो प्लांट के हिसाब से आप लगाइए, लेकिन अगर आपका छोटा प्लांट है तब तो आप 10 इंच के पॉट में या 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बड़ा प्लांट है तो कम से कम उसको 14 इंच के ही पॉट में लगाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सभी ये जो प्लांट हैं ये ग्रो बैग में लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका प्लांट लंबा लंबा सा बढ़ रहा है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो इसकी प्रूनिंग लगातार करते रहें। अभी देखिए, अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अभी जैसे ही मानसून स्टार्ट होती है वैसे ही आप इसकी टिप कट कर दें। जैसे टिप कट करेंगे, 1-2 बारिश होगी मानसून की, बहुत ही अच्छी इसमें नई ग्रोथ आप देखने को पाएंगे, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो 2-3 तरह की आप फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं। पहले तो घर में ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आजकल सभी क्या है जो छिलके होते हैं, जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं उनको रात भर पानी में भिगो के रख दें, और सुबह जो ग्रीन पानी होता है उसको आप इसमें डाल सकते हैं। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है, ये अगर आप नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने का, तो फिर फटाफट फर्टिलाइज़र बनाइए। 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच भर के चाय पत्ती 2 घंटे के लिए रख दीजिए। 2 घंटे के बाद इस 1 ग्लास पानी को 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने करी पत्ता में डाल दीजिए, सभी की कमी को ये पूरा करेगा। अब बात कर लेते हैं अगर आपके
मौसम अच्छा है, थोड़ा सा ठंडक है मौसम में, तब आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। यह है सरसों की खली का पानी, इसका आप इस्तेमाल करेंगे आपके करी पत्ता बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। लेकिन इस मौसम में जून जैसे अब इस समय तो बहुत ही गर्मी है, तो इस मौसम में इस फर्टिलाइज़र का बिल्कुल भी ना यूज़ करें। इस फर्टिलाइज़र को जैसे स्प्रिंग सीज़न है उसमें यूज़ कर सकते हैं, या जो अक्टूबर नवंबर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस मौसम में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके करी पत्ता में किसी भी तरह की कोई चमक नहीं है, पत्तियां बेरंग हो गई हैं, पत्तियों में किसी भी तरह की कोई खुशबू नहीं है, तब क्या करें? तब अगर ऐसी कंडीशन में आपका करी पत्ता है, तब आप जो छाछ होती है, जो छाछ की जगह पर आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही थोड़ी लेनी है, बस 4 चम्मच आप समझ सकते हैं, 4 चम्मच लेके आप कम से कम 3-4 दिन उसको बाहर रख दें, जिससे वो बहुत ही अच्छे से खट्टी हो जाए। फिर उसको 1 ग्लास पानी में मिक्स करके आप अपने करी पत्ता को दे दीजिए। बहुत में बस इतनी ही सी लेनी है, और ये बहुत ही खट्टी मेरी छाछ है, और जो खाली जो ग्लास बचा है उसमें हम पानी मिक्स कर देंगे, बस इतना सा ही। शाम के टाइम जब मिट्टी थोड़ी सी मॉइश हो तभी आपको पानी ये दे देना है। पहले तो पानी सिंपल पानी देंगे, फिर उसके 1 घंटे के बाद जब मिट्टी अच्छे से नम हो जाएगी तब हम इस पानी को दे देंगे अपने प्लांट में। 7-7 दिन के बाद आप ये पानी दीजिए, काफ़ी फ़ायदा करेगा करी पत्ता के प्लांट को, तो आप दे सकते हैं बहुत। तो ये सब फर्टिलाइज़र आप अपने करी पत्ता में डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर फ़ायदा नहीं कर रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, आगे आने वाली है बरसात, तो उसमें करी पत्ता का प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो अगर आपका प्लांट सूख भी रहा है तो आप बरसात तक वेट कीजिए, फिर से वो हरा होगा। तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे, अगर करे हैं, कुछ फ़ायदा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ही गुड बाय।